दोस्तों देख सकते हैं इसका गेट ओपन हो रहा है। गेट ओपन होने टाइम बहुत ही रिस्की है दोस्तों, इसमें गैस बना हुआ अभी, इसलिए वो रिस्की काम है दोस्तों। अभी देखिए मशीन से नहीं खुला दोस्तों, इसमें टायर लोडिंग होता है, आप लोग को दिखाएगा दोस्तों टायर मशीन है। इसमें टायर लोडिंग करने के बाद टायर का तेल निकलता है दोस्तों, तेल निकलने के बाद फिर वन डे भी दोस्तों 12 घंटा कूलिंग स्टार्टिंग होता है। अब गेट ओपन होगा, एक तरफ का नट पूरा खुल गया दोस्तों, एक तरफ का नट बचा हुआ है। मशीन अभी नच रहा है दोस्तों, मशीन सेंटर में आके रुक जाएगा, उसके बाद उसमें लॉक फंसाया जाएगा। लॉक फंसाने के बाद फिर जो नट बोल्ट अभी बचा हुआ है दोस्तों, तो बोल्ट फिर ओपन करना पड़ेगा। आ गया दोस्तों, अब लॉक फंसाया जाएगा, सेंटर में आ गया ना, उसके बाद लॉक फंसाएगा। अभी ये आदमी देखो हाथ में लॉक लिया, फंसा रहा है दोस्तों। लॉक फंसाने के बाद फिर से ये जो बोल्ट बचा हुआ है दोस्तों, उसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद दोस्तों गेट ओपन होगा। गेट ओपन होने के बाद दोस्तों जो अभी एक टायर दिख रहा है दोस्तों, हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को दोस्तों, ये जो टायर है जितना ये सब टायर इसमें लोडिंग होगा दोस्तों। लोडिंग होने के बाद इसके अंदर फिर से गेट टाइट कर दिया जाएगा दोस्तों। गेट टाइट होने के बाद दोस्तों फिर ये मशीन है जो फायरिंग किया जाएगा दोस्तों। फायरिंग करने के बाद दोस्तों आयल निकाला जाएगा टायर का, उसके बाद एक दिन बंद रहेगा, 12 घंटा बंद रहेगा। उसके बाद 12 घंटा कूलिंग स्टार्टिंग होने के बाद दोस्तों फिर दूसरे दिन इसको ऐसा ही वाले छोटा वाला जो गेट दिख रहा है दोस्तों, मैं जूम करके आप लोग को दिखा दे रहा है दोस्तों, जहाँ पे हैड्रा का जो बूम लगा हुआ है ना दोस्तों, वो मशीन में छोटा वाला गेट है ना, उसमें कार्बन निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। कार्बन कभी मैं इसी वीडियो में दिखाएगा दोस्तों, कार्बन का बैग कैसे भरा जाता है। उसके बाद पहले कार्बन निकाला जाता है दोस्तों, उसके बाद बड़ा गेट ओपन होने के बाद बड़ा गेट ओपन होने के बाद फिर लोडिंग किया जाता है दोस्तों। फिर दूसरे दिन लोडिंग करना पड़ता है दोस्तों,
मिनट ओपन हो गया है दोस्तों, अब दूसरे तरफ का हो रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे तरफ का अभी वीडियो लंबी हो सकता है दोस्तों, लेकिन पूरा देखिएगा तभी समझ पाइएगा दोस्तों, इसलिए कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप जब तक पूरा चीज़ नहीं सुनिएगा देखिएगा, उसके बाद ही समझ पाइएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के साथ में। जैसे हम बताना चाहते हैं कि टायर का आयल कैसे निकलता है, तो टायर का आयल जब कैसे निकलता है आप लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि परदेसी लोग परदेश में क्या काम करने गए हैं, ये तो जानते हैं ना कि परदेसी गांव से परदेसी परदेश गए हैं, लेकिन क्या काम करता है बहुत सा लोगों को दिमाग में ये सब डाउट रहता है कि यार क्या काम करता है बंदा। थोड़ा पूछने जाते हैं तो करेगा कुछ और, बताएगा कुछ और, इसलिए हम आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों, हम लोग जो काम करते हैं वो लोग हम लोग जो काम करते हैं दोस्तों, 3 बोल्ट ऑल रेडी रह गया है, 1 बोल्ट इधर में है दोस्तों और 2 बोल्ट उधर में है, उसके बाद गेट ओपन हो जाएगा दोस्तों। स्टील कैसे निकाला जाता है दोस्तों वो हम आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। मशीन का काम ख़त्म हो गया, अब 2 बोल्ट जो बच गया दोस्तों वो स्पाइनर से ही खुलेगा दोस्तों, वो बोल्ट स्पाइनर से इसलिए खोला जाएगा दोस्तों, वहाँ पे जल्दी वो बोल्ट है ना, वो 2 बोल्ट खोलना पड़ता है मशीन से भी फास्ट। अब समझ सकते हैं कि कितना रिक्स है दोस्तों, आपको हम दिखा दे रहे हैं दोस्तों, ये अभी देख सकते हैं कि 2 बोल्ट बचा हुआ है, वो 2 ही बोल्ट खुलेगा, हाँ सिर्फ स्पैनर से खुलेगा दोस्तों। इसी वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अब इसी वीडियो में हम आप लोग को सभी चीज़ एक एक करके दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। प्लीज दोस्तों लास्ट तक बना रहिएगा दोस्तों, जास्ती टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए हम आप लोग समा चाहते हैं दोस्तों। अब गेट ओपन होने वाला है दोस्तों, अब हो गया, देख सकते हैं कि क्रेन पीछे मुहे बूम कर रहा है, अब जो बड़ा डोर है वो ओपन हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं वो एक आदमी है जो गेट ओपन कर रहा है दोस्तों, हो गया तो गेट ओपन हो रहा है, हो गया ना दोस्तों, गेट ओपन हो गया, इसको बहाना जाएगा दोस्तों ऐसे, वापस गेट उधर में नहीं जाए,
अंदर का स्टील जो है वो दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, आप लोग को देख सकते हैं अंदर में स्टील है। ये ब्यौरा क्रेन ऑपरेटर है, पी के क्रेन चलाता है दोस्तों। ये ब्यौरा है, देख सकते हैं दांत चियार रहा है ना, एक नंबर ब्यौरा है, ब्यौरा दांत चियार रहा है। देखो देखो क्रेन ऑपरेटर है दोस्तों, ब्यौरा क्रेन ऑपरेटर है, दांत चियार रहा है। देख सकते हैं दोस्तों अंदर में स्टील है दोस्तों, कार्बन पहले कार्बन निकला है दोस्तों, उसके बाद अभी स्टील निकल रहा है दोस्तों। से ही निकलेगा दोस्तों स्टील इसका, स्टील है दोस्तों, स्टील निकल गया ना, अब इसके अंदर अब टायर लोडिंग होगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों